हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का संविधान में चैप्टर है प्रधानमंत्री। इसके पिछले वाले वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ा था मंत्री परिषद को, और हम लोगों ने संविधान में बहुत सारे वीडियोज पढ़ लिए, जैसे कि हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और उसके अलावा हम लोगों ने संविधान के भाग, अनुसूची, संविधान सभा, मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस को देखे। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं पढ़ा है तो उसको भी जरूर पढ़ लें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री से जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं विभिन्न एग्जामों में, हम लोग कोशिश करेंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर टैकल किया जाए। तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि भारत में संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है, संसदीय व्यवस्था। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, तो इसमें दो हेड बनाए जाते हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका के हेड होते हैं, दैट मीन्स सिंबॉलिक हेड, जो कि राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका यानी कि सेंट्रल लेवल की बात होती है हो रही है, यानी कि केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका होती है उसके नाम मात्र के हेड हमारे राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं, और इसके वास्तविक हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है कि केंद्र के यानी कि कार्यपालिका के वास्तविक हेड कौन होते हैं, तो हम लोगों का आंसर होगा प्रधानमंत्री। ये तो वैसे सिंपल पूछ लिया जाए कि केंद्र के यानी कि कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक हेड कौन होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। अब प्रधानमंत्री के पास, देखिए राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उन सभी शक्तियों का यूज कौन करते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। अब प्रधानमंत्री से जुड़े और बातों को जानने से पहले हम लोग दो तीन अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 74 और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, यानी कि मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के अनुसार होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के हेड कौन होते हैं, तो अनुच्छेद 75 के अनुसार पीएम होते हैं, अर्थात प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, और मंत्रिपरिषद के वास्तविक या मंत्रिपरिषद के हेड कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखें, कार्यपालिका के हेड तो राष्ट्रपति, वास्तविक हेड तो प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, यानी मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के जो हेड होंगे वो प्रधानमंत्री जी होंगे। अब हम लोग मंत्रिपरिषद से जुड़ी और बातों को देखते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसे बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उसे बनाते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है प्रेसिडेंट, उसे प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है वह बनता है प्रधानमंत्री, तो क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वह लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। और हमने जो मंत्रिपरिषद वाले वीडियो में बताया था कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है और वह बनने योग्य है, राष्ट्रपति को लगता है कि वह,
वह प्रधानमंत्री बनाया जाए तो वह उसे प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाद में उसे 6 माह के अंदर सदस्य बनकर दिखाना होता है, यानी कि सदस्य बनना पड़ता है। तो यहाँ से आप लोग ये ध्यान रखिए। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, और प्रधानमंत्री वही बनता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है। अब यहाँ से आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। तो देखिए, एक व्यक्ति जितनी चाहे उतनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, बस उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना होता है। तो देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं एज कैटेगरी, आयु कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, यदि वह लोकसभा का सदस्य है, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, तो 25 ईयर, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एज होनी चाहिए 30 ईयर। तो एक व्यक्ति यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति यदि लोकसभा का है तो न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यदि लोकसभा का है तो 25 ईयर और राज्यसभा का है तो 30 ईयर। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आंसर कितना होगा, 25 ईयर, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो नो लिमिट। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखें, नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, आयु कितनी होनी चाहिए 25 ईयर, न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और अधिकतम इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि इसका अधिकतम चाहे जितना हो सकता है, न्यूनतम 25 ईयर होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रधानमंत्री जी को शपथ भी कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं, और शपथ भी कौन दिलाते हैं, तो प्रेसिडेंट जी यानी कि राष्ट्रपति जी ही दिलाते हैं। उसके बाद त्याग पत्र, त्याग पत्र किसे देते हैं, तो नियुक्ति, राष्ट्रपति, शपथ, राष्ट्रपति, और त्याग पत्र भी ये किसे देते हैं, तो प्रेसिडेंट को। अब आगे हम लोग देखते हैं कि वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी का वेतन अलग से तय नहीं किया गया है, जैसे अन्य मंत्रियों का वेतन होता है, सांसद का वेतन होता है, उसी प्रकार का वेतन प्रधानमंत्री जी को भी मिलता है। लेकिन क्या होता है कि इनमें एक्स्ट्रा जो भत्ता होता है, एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं, वह जुड़ जाते हैं, और यही अन्य मंत्रियों से प्रधानमंत्री को अलग करता है। तो वेतन जो है, यानी कि वेतन प्रधानमंत्री को संसद द्वारा मिलता है, और इनका वेतन अलग से तय नहीं किया गया है। जो अन्य मंत्रियों का वेतन होता है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का वेतन होता है, बस एक्स्ट्रा चार्जेस इनमें जुड़ जाते हैं। तो वेतन कौन तय करते हैं, तो संसद द्वारा वेतन तय होता है, सभी मंत्रियों का वेतन संसद द्वारा ही तय होता है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जी के पास कौन कौन सी शक्तियाँ, अब हम लोग ये देखते हैं। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, आयु कितनी होनी चाहिए न्यूनतम, तो 25 ईयर होनी चाहिए, शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, कार्यकाल कितना होता है, तो अब हम लोग पहले कार्यकाल देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का वैसे नॉर्मली तो कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर, 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं आते, ऑब्जेक्टिव आता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति के इच्छानुसार, यानी कि राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर होंगे, लेकिन ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकते, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ विशेष नियम होते हैं जिसके द्वारा प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को यहीं से मिलेगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, तो ऑप्शन यही होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है। यदि प्रधानमंत्री कोई संविधान के नियम के विपरीत कार्य नहीं करते हैं, उनके पार्टी से यानी कि वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करते हैं, तो नॉर्मली उनका जो कार्यकाल होता है वह 5 ईयर होता है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। अब आगे वेतन, हम लोगों ने देखा उनका वेतन कितना होता है, तो उनका वेतन कोई तय नहीं है, वो जो संसद द्वारा तय किया जाता है, यानी मंत्रियों को जो मिलता है और उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो जुड़ जाते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति जितना भी कार्य जो होता है प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्रपति के पास जो जितनी भी सारी शक्तियाँ होती हैं, उन सारी शक्तियों का वास्तविक रूप से यूज कौन करते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। अब हम लोग प्रधानमंत्री की शक्तियों को अलग अलग बांट कर याद करेंगे तो हम लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री की शक्ति, और साथ ही साथ कार्य। अब देखिए, प्रधानमंत्री की शक्तियों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं मंत्रिपरिषद से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो हम लोग आसानी से 2-3 पॉइंट बनाएंगे और देखेंगे मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना, पहला कार्य होता है मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना। मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना, प्रधानमंत्री के पास ये शक्तियाँ होती है। उसके बाद हम लोग एक देखें राष्ट्रपति के संबंध में, साथ ही साथ हम लोग इसमें और देख सकते हैं 2-3 पॉइंट कि मंत्रिपरिषद के अंदर जो मंत्री होते हैं उनको उनका गृह प्रदान करना। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि गृह मंत्री, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो मंत्रियों को देखिए गृह जो है, जो मंत्रालय होता है वो प्रधानमंत्री मंत्रालय नहीं देते, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सजेस्ट करते हैं मंत्रालय और उसको राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि ये मंत्रालय आप इन मंत्री को दीजिए। तो मंत्रियों को मंत्रालय देने संबंधी सलाह प्रेसिडेंट को देना। और तीसरा कार्य होता है कि जो मंत्री होते हैं विकासात्मक कार्यों को करते हैं उनमें सहयोग करना। तो आप लोग मंत्रिपरिषद से 3 पॉइंट याद कर सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना और मंत्रालय को सजेस्ट करना कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है, इस संबंधी सलाह को राष्ट्रपति को देना और साथ ही साथ जो मंत्री होते हैं वो जो विकासात्मक कार्यों को करते हैं उसमें सहयोग करना। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में कौन कौन सी शक्तियाँ प्रधानमंत्री जी के पास होती हैं। तो पहला कार्य होता है क्या, सलाह देना,
यानी कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री क्या करते हैं, सलाह देते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देना, साथ साथ जो योजनाएं चल रही हैं, जो जो विकासात्मक कार्य हो रहे हैं उसकी जानकारी भी किसको देना, राष्ट्रपति को देना। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि मुख्य कार्य क्या होता है, तो सलाह देना होता है और जो योजनाएं चल रही हैं उन सब की जानकारी राष्ट्रपति को देना। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि संसद संबंधी कौन सी शक्तियाँ या कार्य प्रधानमंत्री जी के पास होती हैं। तो संसद संबंधी देखिए, लोकसभा के हेड कौन होते हैं, लोकसभा के हेड, लोकसभा के हेड प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, लोकसभा के हेड प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। और प्रधानमंत्री जी के सलाह पर ही क्या होता है कि राष्ट्रपति जी लोकसभा का विघटन करते हैं। तो क्या होगा इसमें, आप लोग पॉइंट क्या लिखेंगे कि प्रधानमंत्री जी के सलाह पर ही प्रधानमंत्री जी लोक प्रधानमंत्री नहीं सॉरी राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी के सलाह पर ही जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो लोकसभा का विघटन करते हैं। इसके बाद हम लोग अदर वर्ग भी देख सकते हैं। अदर वर्ग में हम लोग देखेंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। और दूसरा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, तो सेम हमारे प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। तो अदर वर्ग में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। और आप लोग प्रधानमंत्री से यहाँ से और क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कार्यकाल संबंधी, जैसे अन्य प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल संबंधी, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। या क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कांग्रेस सरकार में कौन प्रधानमंत्री बना, तो कौन बने, तो मुरारजी देसाई। तो आप लोग जितने भी पॉइंट बताए अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं लोगों का 90% क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव जरूर बनाया करिए, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि हमको कितना तैयार हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।